आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिनांक 24 जुलाई 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान मंडी गेट के पास मुख्य मार्ग में सभा आयोजन कर विधानसभा की ओर रवाना होंगे। इस दौरान पंडरी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन सुबह 10 बजे से पूर्णतः बंद किया जाएगा। इस मार्ग के बंद होने पर इस मार्ग की ओर आवागमन करने वाले नागरिकों के लिए निम्नानुसार वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और इनकी जो सभा होनी है वो होगी मंडी गेट के पास। इनके द्वारा मंच बनाया जा रहा है और मंडी गेट के पास सभा करने के पश्चात ये अवंतीबाई चौक की ओर रवाना होंगे, आगे बढ़ेंगे और वहाँ हमने बैरिकेड लगाए हुए हैं। तो ये है कि कल 10 बजे के आसपास मंडी गेट से जो अवंतीबाई चौक के बीच का जो रास्ता है, ये रास्ता ब्लॉक रहेगा 10 बजे से जब तक प्रदर्शन चलेगा 3-4 बजे तक के, ये रोड ब्लॉक रहेगा। तो अब इसमें हम 4 जगह डायवर्शन कर रहे हैं, एक तो केनाल रोड के पास करेंगे, दूसरा पंडरी एक्सप्रेसवे के पास, तीसरा मंडी गेट के पास जो टर्निंग होगा देवेंद्र नगर रोड जाता है उस रोड पे ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। साथ ही साथ अवंतीबाई चौक से मंडी गेट की ओर नहीं जा पाएंगे, मंडी गेट से आप पिस्टल आर्केड होकर शंकर नगर की ओर रूट डाइवर्ट रहेगा। और चौथा डाइवर्शन रहेगा श्रीराम नगर ओवर ब्रिज की ओर वीआईपी टर्निंग से डाइवर्शन रहेगा। 4 जगह डाइवर्शन है। इसमें जो लोग हैं आमा सिवनी या सड्डू की ओर से जो लोग आते हैं वो वीआईपी टर्निंग से और अशोका रतन के सामने से मोवा ओवरब्रिज होते हुए शंकर नगर की ओर आवागमन कर सकते हैं। दूसरा जो मोवा या पंडरी के रहने वाले या दलदल सिवनी के लोग हैं जो शहर की ओर जाना चाहते हैं वो मोवा ओवरब्रिज क्रॉस करके अवंतीबाई चौक तक जाएंगे, वहां से लेफ्ट टर्न होकर क्रिस्टल आर्किड रोड की तरफ से शंकर नगर की ओर जा सकते हैं। साथ ही साथ राजा तालाब की ओर से या देवेंद्र नगर की ओर से कोई दलदल सिवनी या मोवा आना चाहता है तो देवेंद्र नगर से मंडी चौक और मंडी चौक से कापा रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके और रेल लाइन के किनारे किनारे फिर मोवा ओवरब्रिज के सर्विस रोड से और मोवा की तरफ आना जाना कर सकते हैं। ये उनके वैकल्पिक रूट हैं, सारे वैकल्पिक रूट में हम डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे फोर्स का। साथ ही साथ हमारा वो है कि एक रोड बंद रहेगा तो शंकर नगर वाले रोड से बहुत बेहतर होगा और उससे जाम की स्थिति बन सकती है, तो उसके लिए भी हमने तैयारी किया। वहाँ हमारी पेट्रोलिंग रहेंगे और टिकट भी सेल कर रहे हैं ताकि रोड को जाम की स्थिति में न आने दें।